देश के पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली का 66 साल की उम्र में निधन हो गया। उनको बीते 9 अगस्त को दिल्ली के एम्स में भर्ती करवाया गया था। उस समय उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, लेकिन अस्पताल में भर्ती होने के बाद उनकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई। कुछ साल पहले ही उनकी बैरियाट्रिक सर्जरी की गई थी। गौरतलब है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की हालत शुक्रवार को ही बिगड़ गई थी। अरुण जेटली को सांस लेने में तकलीफ को लेकर 9 अगस्त को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में भर्ती कराया गया था। अरुण जेटली पेशे से एक वकील थे और वह भाजपा सरकार के पहले कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल का अहम हिस्सा रहे थे। उन्होंने वित्त एवं रक्षा दोनों मंत्रालयों का कार्यभार संभाला था। शनिवार को पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री के निधन पर खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई, जिसका असर गोरखपुर में भी देखने को मिला। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल, बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे ने अपने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि राजनीति के सूर्य का आज अस्त हो गया है, जिसकी भरपाई करना असंभव है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बीजेपी के नेताओं ने कहा, आज मैं बहुत स्तब्ध हूँ उनका इस दुनिया में न रहना। बहुत ही सरल सुहृदय और हम कार्यकर्ताओं की चिंता करने वाले ऐसे जेटली जी आज हमारे बीच में नहीं हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे, क्योंकि ये एक राजनीति का एक युग का अंत इसको कहा जाएगा उनका न रहना। राजनीतिक जीवन में कैसा व्यतीत हो रहा? बहुत ही सरल सुहृदय, कार्यकर्ताओं को देख के पहचान लेना, ज़्यादातर कार्यकर्ताओं का नाम लेके पहचानना, ऐसी थी उनकी पहचान। और वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की जो हमारे नेता हैं वो एक कार्यकर्ता भाव से कार्य करते हैं, और कार्य करते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो औरों के लिए भी एक मिसाल कायम करते हैं। तो अरुण जेटली जी भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं, देश के सर्वमान्य नेता थे। उनका चला जाना भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, देश की राजनीति के लिए बहुत बड़ी क्षति है, अपूर्णीय क्षति है, इसे भुलाया नहीं जा सकता। और वित्त मंत्री के रूप में जो उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए जो सराहनीय कार्य किए थे, जिसके कारण भारत की विकास दर और जीडीपी दर जो बहुत अच्छी थी, आज भी उन्हें याद किया जाता है। और जो श्रद्धेय मोदी जी का सपना भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए जो उन्होंने प्रण करके आगे बढ़ने का काम किया था, अरुण जेटली जी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था, आज हमारे बीच में नहीं है, ये हम सभी के लिए बहुत दुखदायी क्षण है। निश्चित तौर पे आज इस अवसर पे जो सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई है, हम सभी उसे गमगीन हैं, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मैं आज के इस जो हम लोग को सूचना मिली, जिस प्रकार उन्हें की मृत्यु हुई है, का निधन हुआ है, इस दुख की घड़ी में पूरी भारतीय जनता पार्टी परिवार उनके परिवार के साथ खड़ी है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें, और इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को सांत्वना देते हुए मैं भारतीय जनता पार्टी महानगर की तरफ से उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अरुण जेटली जी जब वो विद्यार्थी जीवन में थे तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़कर इस देश में युवकों को राष्ट्रवाद की मुख्यधारा में जोड़ने का काम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में आकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों से प्रेरित होकर के पार्टी को एक नई ऊंचाई देने का काम उन्होंने किया था। देश के नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार में वो वित्त मंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे, पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे। उनके असमय निधन से पार्टी को एक गहरी क्षति हुई है, अपूर्णीय क्षति हुई है। भारतीय जनता पार्टी और पूरा पार्टी परिवार उनके निधन से शोक में डूबा हुआ है। मैं भी गोरखपुर क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के तरफ से गहरी संवेदना प्रकट करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको उनके परिवार को इस दुख के सहन करने की शक्ति प्रदान करें। बहुत ही सरल प्रकृति के इंसान थे, दृढ़ता जहां उनके में भरी हुई थी वहीं सरलता भी पूरी तौर पर थी।
राजनीतिक दृष्टि से देखें तो जहां पक्ष के सफल विषय रखने वाले थे वहीं विपक्ष के भी उतने ही प्रिय थे। विपक्ष के लोग भी जब भी वो सदन में खड़ा होते थे तो कितना भी हंगामा होता था वो बैठ जाते थे। श्री नरेंद्र मोदी जी की जनोपयोगी योजनाओं को पूरी तौर पर लागू करने का अगर ये कहा जाए किसी को तो एक बड़े स्तंभ के रूप में उनको कहा जा सकता है। जीएसटी जैसे गंभीर विषय पर भी जब विपक्ष उसकी आलोचना कर रहा था आज उसको वह सही ठहराता है क्योंकि श्री अरुण जेटली जी ने इस प्रकार की रचना की कि कभी भी जीएसटी काउंसिल में विवाद नहीं हुआ, जो भी फैसले हुए सर्वसम्मत हुए और आज एक देश को 1,00,000 करोड़ रुपए प्रत्येक महीने देने की काम जो है अगर कोई वित्तीय योजना करती है तो जीएसटी करती है। आज उनके न रहने से हमारी व्यक्तिगत भी अपूर्णीय क्षति हुई है क्योंकि एक सफल मार्गदर्शक के रूप में हमें वो मार्गदर्शन दिया करते थे। कभी भी कोई बात होती थी तो मैं बिना हिचक के उनके कमरे में जाकर के पूछता था, वो समझाते थे और उसको मैं करता चला जाता था। आज भारतीय जनता पार्टी की भी क्षति हुई है, देश की भी क्षति हुई है, पक्ष और विपक्ष दोनों को देखा जाए तो एक अजात शत्रु के रूप में वो व्यक्ति था जो आज हम लोगों के बीच में नहीं है।